हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ एक मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। फेस्टिवल मेकअप, हरतालिका तीज आने वाली है, तो जिनकी भी न्यू शादी हुई है वो अगर इस तरह से मेकअप करेंगी तो सच में गाइस सब लोग देखते रह जाएंगे आप सभी को। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए ये मेकअप मैंने कैसे किया है आपके साथ शेयर करते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है, क्योंकि हिंदू फेस्टिवल में रेड कलर शुभ माना जाता है। और मैंने बन बनाया है, अपना जूड़ा बनाया है, और फेस पे पहले से ही मैंने सनस्क्रीन लगा ली है, और यहाँ पे मैं लिप बाम अपने लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ। तो कोई भी मेकअप शुरू करने से पहले आप अपने फेस पे अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लें। कोई भी एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, कोई भी आप जो क्रीम यूज़ करते हैं वो लगा सकते हैं। तो मैंने सनस्क्रीन लगाई है, और इसके बाद मैं यहाँ पे पॉन्स का बीबी क्रीम ले रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसको हम इस तरह से डैप डैप करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो ये है फेस्टिवल मेकअप, इसलिए मैंने थोड़ी सी हैवी साड़ी पहनी हुई है रेड कलर की, उसके साथ पहना है हाथों में चूड़ा। और आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से क्रीम को ब्लेंड कर लिया है अपने फेस पे। और नेक पे लगाना ना भूलें, नहीं तो आपके जो फेस और नेक है वो अलग अलग दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर कॉम्पैक्ट मैंने लिया हुआ है, उसको अप्लाई कर लेंगे अपने फेस पे। और इस मेकअप को आप किसी भी फेस्टिवल पे कर सकते हो, जैसे कि हरतालिका तीज आ रही है, तो जो भी हरतालिका तीज रहते हैं उनको हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। तो करवा चौथ आने वाला है, दिवाली आने वाली है, जब भी आपका मन करे तब आप इस मेकअप को कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। और ये जो आप देख रहे हैं मैंने जूड़ा बनाया है, इसमें एक्सेसरीज भी लगाया है, जिससे जूड़ा जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो गजरा भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर भी अच्छे से यूज़ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ, ये मैं अपनी आईब्रो फिल करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आई शैडो पैलेट लिया है, उसमें से ब्राउन कलर ले रही हूँ और अच्छे से अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी। तो आपने मेरे पहले के मेकअप वीडियो में देखा होगा मैं आईब्रो पेंसिल का यूज़ करती थी, लेकिन अब भी मैं यहाँ पे आई शैडो पैलेट में से ही ब्राउन कलर ले रही हूँ, जो कि बिल्कुल नेचुरल लगता है। और इस तरह से अच्छे से जैसे हमारा जो आईब्रो का शेप है उसी के ऊपर आपको उसको फिल कर लेना है अच्छे से। तो ये देखिए आईब्रो मैंने फिल कर लिए हैं, और अब आपको फेस बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा होगा मेरा। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे फेस के लिए। उसके बाद मैं कर रही हूँ अपना आई मेकअप। तो ये जो रेड कलर है, मैट रेड कलर मैंने यहाँ पे लिया है, और ब्रश से लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ब्रश से मुझसे काम नहीं होते हैं, तो मैंने अपनी फिंगर का ही यूज़ किया हुआ है। और बिल्कुल रेड कलर लिया है मैंने अपनी साड़ी से मैचिंग, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अपने आई पे। और मैं एक ही कलर यूज़ कर रही हूँ, हल्का सा गोल्डन कलर का टच दूंगी, तो अभी आप आगे देखेंगे। तो ये मेकअप मैं आपके साथ बहुत दिन पहले ही शेयर कर दी थी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तो जितने लोग भी देख सकते हैं वो देख करके, अगर आप हरतालिका तीज रहते हैं तो इसे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मेकअप हुआ था ये, बाद में आप देखेंगे। और कुछ पिक्चर तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया शुरुआत में। और ये देखिए मैंने अच्छे से अपना जो ब्लेंड कर लिया है आई शैडो को, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा मैं गोल्डन टच दे रही हूँ ब्रश की हेल्प से, क्योंकि मेरी साड़ी में ना गोल्डन कलर का बॉर्डर है, आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हल्का सा गोल्डन टच देते हैं। आप चाहें तो सिर्फ सिंगल कलर भी रख सकते हैं। तो हल्का सा जो गोल्डन कलर अभी हमने लिया था ना, वही गोल्डन कलर मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे हम काजल अप्लाई करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा मैंने यूज़ किया हुआ है। इससे ना बहुत अच्छी आंखें लग रही थी ना, कोशिश की थी मैंने अच्छा सा आई मेकअप करने की, बताना आप सभी को कैसा लगा। और मुझे ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी हाँ कोशिश करती हूँ, आपको हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो से। तो अभी मैं लाइनर ले रही हूँ, ये ब्लू हेवन का लाइनर है और लिक्विड वाला है ये। और अगर आपके पास पेंसिल वाला है, जेल वाला है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आईलाइनर अपने आई पे अप्लाई कर लूँगी। तो लाइनर आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, जैसे बहुत से लोगों को ना मोटा मोटा पसंद होता है, बट मैं बहुत पतला सा लाइनर लगाती हूँ। आपने हमेशा ही देखा होगा मुझे मोटा मोटा लाइनर ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये दिन के हिसाब से भी मेकअप है, और इसे आप नाइट में भी कर सकते हो, अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैंने लाइनर जो है एक आँख में अप्लाई कर लिया है, अभी दूसरी आँख में करने जा रही हूँ।
तो एक आंख में तो बड़ी ही आसानी से लाइनर लगा लेती हूँ, लेकिन दूसरी आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ना वो हाथ ना ठीक से काम कर नहीं पाता है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, आपके साथ ऐसा होता है क्या मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। एक आँख में तो ठीक से लग जाता है, बट दूसरी आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती ही है। तो बस यहाँ पर लाइनर जो है मैंने अप्लाई कर लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ मस्कारा। ये ब्लू हेवन का ही मस्कारा है, और ये ब्लू हेवन के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, और ये ना वाटरप्रूफ भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं मस्कारा यूज़ कर लेंगे, हल्का सा इसे राउंड राउंड घुमाते हुए करिएगा, इससे ना बहुत अच्छे से जो आपके आई लैसेस है ना वो अच्छे से कर्ल दिखने लग जाती हैं। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ काजल, तो ये काजल भी अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी। ये भी ब्लू हेवन का है, और ये काजल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक बार में ही इतना डार्क काजल है ना, एक बार में ही बहुत अच्छे से लग जाता है। तो अच्छे से काजल आप लगा लीजिए अपनी आंखों में, काजल लगाने से आंखें बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। तो काजल मैंने लगा लिया है दोनों ही आंखों में, आप देख सकते हैं। उसके बाद लगाते हैं बिंदी, जिसको लगाने से बिल्कुल रौनक ना आपके फेस पे तुरंत आ जाती है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ लिप लाइनर, और लिपस्टिक लगाने से पहले आप हमेशा लाइनर का यूज़ कीजिएगा, उससे ना शेप बहुत अच्छा आता है लिप्स का, और लिपस्टिक ना आपकी इधर उधर फैलती भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर का लिप लाइनर लिया हुआ है। तो लिप लाइनर के बाद आपको अप्लाई करना है लिपस्टिक। तो मैं यहाँ पे रेड कलर ले रही हूँ, क्योंकि मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी है, इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि सारा मेकअप ना मेरा मैचिंग हो, इससे ना बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर की लिपस्टिक अप्लाई की है अपने लिप्स पे, और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है ये, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है ना। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लश। तो आपने देखा मैंने ये जो हल्का सा रेड कलर है, ऑरेंज रेड कलर, वो वाला कलर लिया है मैंने, और ब्रश की हेल्प से हम अपने चिक पे अच्छे से इसको अप्लाई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मेकअप के लिए हम लेडीज़ कितना खुश हो जाती हैं, वैसे चाहे इतना खुश ना रहें, लेकिन मेकअप जो हम लगाते हैं अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो कितना खुश हो रही हूँ आप देख सकते हैं। तो मजाक कर रही हूँ, यहाँ पे आज मैं अप्लाई कर रही हूँ गोल्डन कलर का हाइलाइटर। मैं वाइट वाला नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि गोल्डन मेरा साड़ी का बॉर्डर है, मैंने सोचा कि आज मैं इसको अप्लाई करके देखती हूँ। और सच में गाइस बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसको अप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे नोज़ पे, अपने चिन पे, चिक पे, सभी जगह जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है वहाँ वहाँ मैं कर लेती हूँ। अच्छा, हाईलाइट के बिना ना मेकअप बिल्कुल अधूरा है। अगर आपको अपना जो मेकअप है वो उभर के आए, सबको अच्छे से दिखाई दे, और तो ना हाईलाइटर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो मैंने कर लिया है, और इस तरह से आई कॉर्नर पे भी किया है मैंने, और आईब्रोज़ के नीचे भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जहाँ जहाँ मुझे करना है वहाँ वहाँ मैंने कर लिया है। आप चाहे तो थोड़ा सा हल्का सा बिंदी के ऊपर भी कर सकते हैं, मैं भूल गई थी। और अभी बारी आती है सिंदूर की, तो सुहागिनों के लिए ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सिंदूर बिंदी ये सबसे मेन होता है। तो मैं यहाँ पे जो मैंने अपनी मांग निकाली हुई है सेंटर में, उसमें मैं पूरा सिंदूर भरूँगी, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पर ही हम सिंदूर अच्छे से भर भर के लगाते हैं, और ज़रूरी भी होता है सभी सुहागिनों के लिए। तो ये आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर लिक्विड वाला जो सिंदूर होता है ना, उसी की स्टिक लेकर के मैंने सूखा सिंदूर लगाया है, क्योंकि सूखा सिंदूर ज़्यादा महत्व रखता है पूजा पाठ वगैरह में। तो मैंने सूखा सिंदूर लगाया है, कितना प्यारा लग रहा है ना गाइस। तो ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे अपनी ज्वेलरी पहन लेती हूँ। तो ज्वेलरी में आपको जो भी कुछ पहनना है वो आप पहन सकते हैं। मैं यहाँ मैचिंग ईयरिंग्स पहन रही हूँ, गले में सिर्फ मैंने मंगलसूत्र और चैन डाली हुई है, और आप देख सकते हैं हल्की सी मैं ना लटे भी निकाल देती हूँ, क्योंकि जब तक हम अपनी लटकों को नहीं निकालेंगे तब तक ना फेस थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लगता है, चिपकू चिपकू से बाल लगते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरा मेकअप बिल्कुल रेडी हो गया है, और बताएगा गाइस आप सभी को कैसा लगा, और मेरा जूड़ा कैसा लग रहा है, उसमें जो एक्सेसरीज लगाया है वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, मैचिंग का लेके आई थी मैं साड़ी की। और ये देखिए आप करवा चौथ पे, हरतालिका तीज पे, दिवाली पे आप कभी भी इस वाले मेकअप को कर सकते हैं, या फिर किसी शादी पार्टी में भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, इजी और क्विक मेकअप है, कम से कम प्रोडक्ट में किया है मैंने। और ये देखिए अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत पोज दे रही हूँ, थोड़ा बहुत एक्शन दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मजाक कर रही हूँ। ये देखिए मैंने ना यहाँ पे चूड़ा पहना हुआ है साड़ी के मैचिंग का, बहुत ही प्यारा लगता है। और कैसा लगा आप सबको ये वाला मेकअप, मुझे कमेंट सेक्शन
में जाकर ज़रूर बताएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि को। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी पिक्चर आपके साथ वहाँ पर शेयर करती हूँ मैं, तो ये देख सकते हैं आप सर पे पल्ला लेकर के। अगर आपकी न्यू शादी हुई है और आपके सारे फेस्टिवल पहली बार आप सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने ससुराल में, तो इस तरह से सर पे पल्ला लेकर के कितनी प्यारी लगेंगी ना, सोचिए। तो देरी ना कीजिएगा, इस वाले मेकअप को ज़रूर एक बार ट्राई करना, आपको भी पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए रूटीन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जितनी भी पिक्चर है उनको इन्जॉय कीजिए।